नमस्कार साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बलिदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी, एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने समाज को जगाने के लिए यूट्यूब के माध्यम से, और जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बुद्ध धर्म में पारिग्रहण अर्थात विवाह का संस्कार कब और कैसे। विवाह संस्कार दो परिवारों और दो दिलों को जोड़ने के लिए है, जो कि अंधविश्वास, पाखंड बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकते। कर्ज लेकर विवाह करने के बाद में विवाद होता है और दोनों परिवारों में आंतरिक क्लेश होता है। विवाह के लिए सही मौसम और सही समय कौन सा होना चाहिए? विवाह संस्कार अगर सही मौसम में करते हैं तो सभी कार्य अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए विवाह के लिए सही मौसम जब सर्दी जा रही हो और फिर गर्मी शुरुआत हो, अर्थात दूसरा वर्षांत खत्म हो रहा हो और फिर सर्दी की शुरुआत हो, तो ये समय उचित होता है। विवाह के लिए सही मौसम कौन सा होना चाहिए? जैसे कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह में, और नंबर टू, सितंबर के अंतिम से दिसंबर के पहले सप्ताह में। सही समय, विवाह संस्कार सही उम्र और सही समय पर होना जरूरी है। सही उम्र होती है 18 प्लस की लड़की होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 प्लस होनी चाहिए। और विवाह किसी भी दिन कोशिश करें बुधवारों या रविवारों का दिन में ही करना चाहिए, रात्रि में नहीं। दिन में लगभग 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही करना उचित होता है। विवाह के लिए ज़रूरी वस्तुएं क्या क्या चाहिए होती हैं? घोड़ा घोड़ी, बैंड बाजे, फिजूल खर्ची, ये सब करने की कोशिश ना करें। कम से कम खर्चे में ही विवाह करें, निर्दोष पशुओं को प्रताड़ित ना करें। कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, कार, बाइक, रिक्शा का प्रयोग, स्कूटी का प्रयोग ही करें। और क्या ज़रूरी आवश्यक वस्तुएँ? ढोल म्यूजिक, अंबेडकरवादी सॉन्ग पर ढोलक की आवाज़ पर आप खूब डांस कर सकते हैं, अगर आपको डांस ही करना है तो। सजावट के लिए लाइटिंग और पंचशील ध्वज, तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ज्योतिबा फुले और प्रथम महिला सावित्रीबाई फुले, कबीरदास पेरियार, रामास्वामी नायकर आदि सभी के पोस्टर लगाएं सजावट और लाइटिंग के लिए। विवाह समारोह में संस्कार के लिए क्या वस्तुएं चाहिए होती हैं? तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां और फोटो और भारतीय संविधान, ये आवश्यकता पड़ती है आपको विवाह समारोह के लिए। संस्कार के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। फूल ज़्यादा होना चाहिए, फूल जिसमें ज़्यादा होना चाहिए, 5 मोमबत्तियाँ, अगरबत्ती का पैकेट, पंचशील ध्वज, माचिस, एक लोटा जल और थाली, ये होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु और बौद्धाचार्य, अगर बौद्ध भिक्षु और बौद्धाचार्य दोनों हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी एक व्यक्ति संस्कार करवा सकता है। विवाह संस्कार कैसे कराएं? इसका जवाब यह है, तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की मूर्तियाँ या फोटो ऊँचे स्थान पर लगाएं, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध का स्थान थोड़ा ऊपर रखें और बीच में रखें। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और प्रियदर्शी सम्राट अशोक के फोटो पर फूलमाला डालें और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों पर फूल डालें। बुद्ध धम्म दीक्षा, अगर वर वधु पहले से ही धम्म दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर धम्म दीक्षित नहीं है तो सर्वप्रथम वर वधु को और जो भी लोग धम्म दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, बुद्ध धम्म दीक्षा होगी, जिसमें त्रिशरण, पंचशील और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाओं सहित बुद्ध धर्म अपनाएंगे। अब होती है समर्पण विधि। सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षु या बौद्धाचार्य एक मोमबत्ती जलाएंगे। उसके बाद वधु पक्ष और वर पक्ष के माता पिता एक मोमबत्ती जलाकर
तथागत गौतम बुद्ध के चरणों पर फूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पांचों मोमबत्तियां जलाकर संस्कार का भीमारंभ करते हैं। बिच्छू या बौद्धाचार्य त्रिफरण और पंचशील का पाठ करेंगे। तत्पश्चात बौद्ध आचार्य द्वारा कन्या समर्पण कन्या के पिता द्वारा कराया जाएगा। कन्या के माता पिता अभिभावक द्वारा समर्पण, बौद्धाचार्य कन्या के पिता द्वारा 3 बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य का उच्चारण करवाएंगे। कन्या के पिता के द्वारा 3 बार उच्चारण करवाना है। इसके बाद इस प्रकार कहलवाएं, मैं अपना नाम लें, तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपने प्रिय पुत्री आयुष्मती पुत्री का नाम लें और आयुष्मती लेकर जिनका पालन पोषण आज तक हमने किया है, आज से उपासक वर के पिता का नाम लेना है, वो उनकी पुत्र वधु के रूप में समर्पित करता हूँ। हमें विश्वास है कि हमारा यह पवित्र बंधन दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सार्थक साधक सिद्ध होगा। दूसरी और तीसरी बार भी मैं ऐसा ही कहता हूँ, साधु साधु साधु। वर के पिता या अभिभावक द्वारा अनुमोदन स्वीकार करना है। अब वर के पिता अभिभावक को इसकी स्वीकृति स्वरूप 3 बार नमोतस भगवतो अरहतो सम्मासम बुद्धस्य का उच्चारण कराया जाएगा और उनसे भी वर के पिता से भी ऐसा कहलवाएं, मैं अपना नाम लें, तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर या वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे उपासक वधु के पिता का नाम लेना है 11 ने सौंपा है उसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इस पुत्री का अपनी पुत्री के समान ही उचित देखभाल करूंगा। यह मैं दूसरी और तीसरी बार पुष्टि करता हूं। इस तरह कन्या के पिता के द्वारा समर्पण करना है और वर के पिता के द्वारा या अभिभावक के द्वारा अनुमोदन स्वीकार करना है। ये अगर पिता नहीं है तो माता भी यह अनुमोदन स्वीकार कर सकती हैं और यह समर्पण कर सकती हैं और या फिर परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। अब इसके आगे की विधि, अब कन्या को समर्पण करना है। मैं कन्या कैसे समर्पण करेगी उसके लिए प्रोसेस है। पहले अब ये कन्या बोलेगी, मैं अपना नाम लेगी, तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर या वचन देती हूँ कि आज से मैं अपने आप को उपासक वर के पिता का नाम लेना है को पत्नी के रूप नहीं सॉरी आज से मैं अपने आप को उपासक वर का नाम लेना है को पत्नी के रूप में समर्पित करती हूँ, इन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और इसे मैं जीवन भर निभाऊंगी और उनके परिवार को उचित देखभाल करूंगी और मैं यहाँ दूसरी और तीसरी बार भी पुष्टि करती हूँ। तो यह कन्या के द्वारा समर्पण हो गया। इसके बाद वर के द्वारा अनुमोदन होगा। वर के द्वारा अनुमोदन कैसे होगा, वर को बोलना है मैं अपना नाम लेना है, तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ आज से मैं अपने आप को उपासिका वधु का नाम लेना है को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और इसे मैं जीवन भर निभाऊंगा और इनका उचित देखभाल करूंगा, जीवन भर इस रिश्ते को निभाऊंगा, या मैं दूसरी और तीसरी बार पुष्टि करता हूँ। तो देखिए बुद्ध धम्म दीक्षा की प्रक्रिया पहले हुई। पहले मैंने आपको बता दिया विवाह संस्कार के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए होती हैं, सम्राट अशोक बाबा साहब और तथागत बुद्ध की फोटो वगैरह चाहिए और ये भी बता दिया कि घोड़ा घोड़ी बैंड बाजे फिजूल खर्ची ना करें, अगर बैंड बाजे बजा भी रहे हैं तो बाबा साहब के गाने बजाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही ज़्यादातर यूज करें, ज़्यादा इसमें खर्चा ना करें, ढोल नगाड़े पर अम्बेडकरवादी सॉन्ग ही बजाएं और सजावट और लाइटनिंग के लिए पंचशील और गौतम बुद्ध बाबा साहब के फ़ोटो, प्रियदर्शी सम्राट अशोक और अपने जो महान क्रांतिकारी लोग रहे हैं महापुरुष रहे हैं उनके फ़ोटो लगाएं और उन्हीं से सजावट करें। उसके बाद विवाह संस्कार कैसे कराएंगे ये भी आपको बता दिया है कि तथागत बुद्ध की और सम्राट अशोक की बाबा साहब की फ़ोटो रख करके उनके चरणों में मोमबत्ती जला करके फूल अर्पित करें और बुद्ध धम्म दीक्षा की प्रक्रिया होती है जो कि बौद्धाचार्य द्वारा करवाई जाती है वर वधु को और सभी को।
समर्पण विधि होती है जिसमें कन्या के पिता अभिभावकों द्वारा समर्पण किया जाता है। उसके बाद वर के पिता अभिभावक के द्वारा समर्पण किया जाता अनुमोदन स्वीकार किया जाता है। उसके बाद कन्या के द्वारा समर्पण किया जाता है और वर के द्वारा अनुमोदन स्वीकार किया जाता है। इसके बाद मिलन संस्कार होता है। देखिए, समर्पण हो गया और अनुमोदन हो गया, कन्या के पिता ने समर्पण किया और वर के पिता ने अनुमोदन स्वीकार किया, कन्या ने समर्पण किया और वर ने अनुमोदन स्वीकार किया। उसके बाद मिलन संस्कार है। मिलन संस्कार के लिए इसके बाद वर के पिता, वधु के पिता, वर और वधु को आपस में इस प्रकार से मिलते हाथ मिलाते हैं। नंबर वन, वर के पिता का हाथ हथेली ऊपर की ओर करनी है। वर के पिता के हाथ के ऊपर वर का हाथ और हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। तीसरा, वधु का हाथ वर के हाथ के ऊपर, हथेली नीचे की ओर। वधु के पिता का हाथ वधु के हाथ के ऊपर, हथेली नीचे की ओर। तो इस प्रकार से हाथ रखना है। तत्पश्चात उसके बाद एक व्यक्ति लोटे से जल को चारों हाथों के ऊपर से गिराएगा। नीचे जल किसी थाली में ही गिरना चाहिए। बद्धाचार्य निम्नलिखित सूत्र का पाठ करेंगे जल गिरते समय। इच्छित पतितम त्वम क्षप्यमे समज्जितुम सभ्ये परेन्तु चित्त संकपा चंदो पंडरसो यथा सभ्यतियो विव जंतु सब रोगो विनस्तु मा ते भवत्वंत रायो सुखी दीघायु को भव। इसका हिंदी में अर्थ होता है, तुम्हारी मांगी हुई वस्तुएं तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो, तुम्हारे चित्त के सभी संकल्प संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हों, सभी आपदाएं दूर हो जाएं, सभी रोग कष्ट दूर हों, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, सुखी हो और दीर्घायु हो। इस सूत्र को 3 बार पाठ करें, पढ़ें और सारा जल थाली में गिराकर थाली के जल को किसी पौधे पर डाल दें। इसके बाद वर और वधु प्रतिज्ञा लेंगे। क्या क्या प्रोसेस हुई देखिए। नंबर वन, हमने क्या किया था, बुद्ध धम्म दीक्षा कराई थी। उसके बाद कन्या के पिता के द्वारा समर्पण किया था। फिर वर के पिता के द्वारा अनुमोदन स्वीकार किया गया था। कन्या के द्वारा समर्पण हुआ था, वर के द्वारा अनुमोदन स्वीकार हुआ था और अब मिलन संस्कार भी हो गया। मिलन संस्कार की प्रोसेस बता दी। बद्धाचार्य सूत्र का पाठ करेंगे और सबसे पहले अपने वर के पिता को हाथ करना है हथेली ऊपर की तरफ, फिर वर को उसी पे हाथ रखना है हथेली ऊपर की तरफ, कन्या का हाथ रखना है वर के हाथ के ऊपर हथेली नीचे की तरफ और कन्या के पिता का हाथ रखना है कन्या के हाथ के ऊपर हथेली नीचे की तरफ। और बौद्धाचार्य सूत्र का पाठ करेंगे और वो सूत्र भी आपको बता दिया। उसके बाद वो जो जल है वो हाथों पे डाला जाएगा सूत्र के पाठ के समय। वो जल समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक सूत्र का पाठ होगा। और उसके बाद वो जल जब थाली में गिरना चाहिए, थाली वाला जल किसी पौधे पर डाल देना। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद इसके बाद वर और वधु प्रतिज्ञा लेंगे। वर की 5 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी हैं, नमो तस्य भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस 3 बार उच्चारण करवाएं। तत्पश्चात वर के द्वारा 5 प्रतिज्ञाएं करवाएं। प्रतिज्ञा हैं, मैं अपना नाम लेगा वर तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, जीवन भर मन वचन और कर्म से जीवन भर इसका पालन करूँगा, जीवन भर इस रिश्ते को निभाऊंगा। ये शपथ हो गई, अब प्रतिज्ञा लेना है। पहली प्रतिज्ञा, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि सदैव अपनी पत्नी का ख्याल रखूँगा। दूसरी, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा, ना ही किसी से अपमानित होने दूँगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कभी भी किसी भी स्त्री पर कामचार नहीं करूँगा और शराब जुआ आदि किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं सम्यक आजीविका के अनुसार कर्म करते हुए अपनी पत्नी और अपने माता पिता का सम्मान करूँगा और उचित देखभाल करूँगा। 5वीं प्रतिज्ञा, मैं सम्यक आजीविका के साथ
अनुसार कार्य करते हुए अपनी पत्नी के दुख सुख का ध्यान रखूंगा और वस्त्र आभूषण से खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरी और तीसरी बार भी यही प्रतिज्ञा करता हूं। आज से मैं उपासिका को नाम लेना है को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। अपना नाम लेना है पुनः तथागत सम्यक सद्बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से जीवन भर इसका पालन करूँगा, जीवन भर इस रिश्ते को निभाऊंगा। अब वधू की 5 प्रतिज्ञाएँ लेनी है। वधू किस प्रकार से लेगी? मैं पहले शपथ लेगी वधू, मैं अपना नाम लेना तथागत सम्यक सद्बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए उपस्थित समाज को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि आज से मैं मन वचन और कर्म से 5 प्रतिज्ञाओं का पालन करूँगी और जीवन भर सत्य निष्ठा से पालन करूँगी। अब प्रतिज्ञा लेना है। पहली प्रतिज्ञा, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ अपने घर के सभी कार्य को भली प्रकार से करने की कोशिश करूँगी। दूसरी, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सास ससुर और परिवार के सभी सदस्यों की उचित देखभाल करूँगी। तीसरी, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ मैं कभी भी मिथ्याचार या पर पुरुष गमन नहीं करूँगी और अपने पति के विश्वास को कभी धोखा नहीं दूंगी। चौथी, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पति द्वारा अर्जित धन की रक्षा करूँगी और अपने पति के कार्य में हमेशा साथ दूंगी। पाँचवीं, मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ आलस्य रहित होकर अपने सभी कार्य को समय से पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं यह दूसरी और तीसरी बार भी प्रतिज्ञा करती हूँ और पुनः अपना नाम लेना है। मैं अपना नाम लेना पुनः तथागत सम्यक सद्बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए समाज को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जीवन भर मन वचन और कर्म से जीवन भर इसका पालन करूँगी, जीवन भर इस रिश्ते को निभाऊंगी। अब देखिए, प्रतिज्ञा हो गई, शपथ भी हो गई। तत्पश्चात वर वधु अपने दोनों हाथ जोड़कर उपस्थित समाज को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं। उसके बाद सभी बैठ जाते हैं, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जय मंगल गाथा गाते हैं। बौद्ध भिक्षु या बौद्धाचार्य जो भी हैं जय मंगल गाथा गाएंगे और उपस्थित समाज पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, वरमाला। तत्पश्चात इस सब प्रोसेस के बाद में वधु के गले में वर माला डालता है और वधु वर के गले में माला डालती है और उपस्थित समाज उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। अंत में सर्व सुख गाथा और शरणंत्या का पाठ करते हुए विवाह संस्कार संपन्न होता है। तो हमने पूरी प्रोसेस इसमें समझ ली है। अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। किस प्रकार देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं शादी के लिए, सही मौसम और सही समय होना चाहिए। सही मौसम आपको बता दिया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह में होना चाहिए, सितंबर के पहले सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह में होना चाहिए और उम्र 18 प्लस लड़की की और लड़के की 21 प्लस और शादी 11 से 6 बजे तक ही होनी चाहिए और बुधवारों या रविवारों को ही करना चाहिए। ज़रूरी वस्तुएं फिजूल खर्ची नहीं करनी है, घोड़ी बैंड बाजा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो बैंड बाजा बजा सकते हैं लेकिन अपने बहुजन समाज के गीत तो उसमें बजाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, बाइक या रिक्शे का सहारा ना लें। ढोल म्यूजिक अम्बेडकर वादी सॉन्ग पर ढोलक की आवाज़ बजाएं और सजावट और लाइटनिंग अगर कर रहे हैं, वैसे नहीं करेंगे तो भी ठीक है लेकिन अगर करेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध अपने महापुरुषों के फोटो वगैरह लगाएंगे और उससे सजावट करेंगे। और सामग्री क्या चाहिए होती है? माचिस, एक लोटा जल, अगरबत्ती, पंचशील ध्वज और मोमबत्ती और एक थाली। तो इतनी चीज़ें हमें सामग्री में चाहिए होती हैं और बाबा साहब की फ़ोटो, तथागत बुद्ध की फ़ोटो और सम्राट अशोक की फ़ोटो, ये भी बता दिया। तो ये सब सामग्री तैयार होने के बाद बुद्ध धम दीक्षा होगी, समर्पण विधि होगी, कन्या के पिता के द्वारा समर्पण, वर के पिता के द्वारा अनुमोदन, कन्या द्वारा समर्पण, वर द्वारा अनुमोदन, उसके बाद मिलन संस्कार होगा। जैसे कि आपको बताया था हथेली रख करके
और सूक्त का पाठ करेंगे बोधाचार्य भंते जी। इसके बाद मिलन संस्कार के बाद वर वधु प्रतिज्ञा लेते हैं, 5-5 प्रतिज्ञाएँ, और प्रतिज्ञा लेने के बाद में वरमाला होती है और शादी संपन्न हो जाती है। बिल्कुल सिंपल विधि है, कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। किसी बोधाचार्य भिक्षु को बुलाएंगे तो वो पंडित की तरह आपसे डिमांड भी नहीं करेंगे कि हमें 5,000 रुपये दो या 10,000 रुपये दो, उसके बाद ही हम शादी पूरी करवाएंगे। आप अपनी खुशी से जो भी उन्हें दे देंगे वही वो लेंगे, और उसके अलावा वो अपनी तरफ से कोई भी इच्छा नहीं जताएंगे कि हमें इतना पैसा दो या ये चीज़ हमें दो। लेकिन फिर भी बोधाचार्य या किसी भिक्खु को अगर बुलाते हैं तो उनके आने जाने का पूरा सुविधा का ध्यान रखें, उनके आने की व्यवस्था करें, जाने की व्यवस्था करें, और उनके आने जाने के खर्चे की व्यवस्था करें, और साथ ही उन्हें और भी कुछ और भी खर्चा दें, क्योंकि समाज के द्वारा, समाज के लिए वो कार्य करते हैं और समाज के द्वारा ही उन्हें जो भी मिलता है समाज के द्वारा ही मिलता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि जल्द से जल्द चैनल मोनेटाइज हो सके और जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ सके, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे वीडियो का क्रेडिट बोधाचार्य डॉक्टर SN बौद्ध जी को जाता है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। धन्यवाद।